हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? पिछले टर्म पे हमने आपको एसिड बेस के तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। आज मैं आपको एसिड और बेस से रिलेटेड तीन और कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये चैनल 10+2 स्टूडेंट्स और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताने के लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैडी एंड एलसे। कैडी एंड एलसे ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो किसी सॉल्वेंट में डाले जाने पर उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और वो सॉल्वेंट ऑटो आयोनाइज हो सकता हो। यानी ऐसे सॉल्वेंट्स जो ऑटो आयोनाइज होते हैं, उन सॉल्वेंट्स में किसी सब्सटेंस को डाले जाने पर अगर वो भूल जाता है, यानी वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है उस सॉल्वेंट में, तो हम उन सब्सटेंस को इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड या बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट हैं जो ऑटो आयोनाइज होते हैं और उनका ऑटो आयोनाइजेशन किस प्रकार से होता है। सबसे सिंपलेस्ट सॉल्वेंट है वाटर। आप जानते हैं कि वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन इस तरह से होता है, 2H2O दैट व्हेन ऑटो आयोनाइज गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह से और भी सॉल्वेंट्स हैं जो ऑटो आयोनाइज होते हैं, जैसे कि अमोनिया। इसी तरह से N2O4 और ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट हैं जो ऑटो आयोनाइज होते हैं और केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये देखें, वाटर का जब ऑटो आयोनाइजेशन होता है, तो इसके ऑटो आयोनाइजेशन से इसका केटायनिक करेक्टर जो मिलता है वो होता है हाइड्रोनियम आयन, और जो एनायनिक करेक्टर मिलता है वो होता है हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, केटायनिक करेक्टर और एनायनिक करेक्टर जरूर याद रखना है। वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन के बाद केटायनिक करेक्टर होता है H3O+ और एनायनिक करेक्टर होता है OH-। इसी तरह से अमोनिया का ऑटो आयोनाइजेशन होने के बाद इसका कैटायनिक करेक्टर होता है अमोनियम आयन और एनायनिक करेक्टर होता है एमाइड आयन। इसी तरह से अगर N2O4 सॉल्वेंट ऑटो आयोनाइज हो, तो इसके ऑटो आयोनाइजेशन से जो कैटायनिक करेक्टर मिलता है वो होता है नाइट्रोसिल आयन यानी NO+ और NO3 यानी नाइट्रेट आयन। इसी तरह से बहुत सारे सॉल्वेंट हैं जो ऑटो आयोनाइज होते हैं। अब हम आते हैं कि इन सॉल्वेंट्स में अगर हम किसी सब्सटेंस को डालते हैं और वो इसमें डिसोसिएट, इसमें घुल जाता है सॉल्वेंट्स में, तो हम उन्हें कैसे एसिड और बेस डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कैडी एंड एलसे, दो सॉल्यूट्स व्हिच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड आफ्टर डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट दे इंक्रीज द केटायनिक करेक्टर ऑफ द सॉल्वेंट, देन That substance is called, yeah, that solute is called acid. And if any substance which when dissociate in the solvent and increases the anionic character of the solvent, then that substance or that solute is called as base. Yani, acid वो substance है जो solvent में dissolve करने के बाद या acid वो सब्सटेंस हैं जो किसी सॉल्वेंट में
घोले जाने के बाद में उस सॉल्वेंट के कैटायन करेक्टर को बढ़ा देते हैं, यानी उसके कैटायंस की संख्या बढ़ जाती है। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद उस सॉल्वेंट के एनायनिक करेक्टर यानी एनायंस की संख्या को बढ़ा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक कंपाउंड पोटेशियम एमाइड। अगर पोटेशियम एमाइड को अमोनिया में डिसॉल्व किया जाए तो ये आयोनाइज होता है और आयोनाइजेशन के बाद पोटेशियम आयन प्लस एमाइड आयन देता है। अब आप देखिए जो अमोनिया एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में पोटेशियम एमाइड को जो हम डालते हैं तो पोटेशियम एमाइड इस सॉल्वेंट में घुल करके एमाइड आयन देने लगता है, यानी पोटेशियम एमाइड अमोनिया में डाले जाने पर उस पूरे सॉल्यूशन में एमाइड आयन का कंसंट्रेशन पहले से अधिक बढ़ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम एमाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे लिक्विड अमोनिया में डाले जाने पर यह सब्सटेंस सॉल्वेंट के एनायनिक करेक्टर को इंक्रीज कर देता है। अभी आपने देखा अमोनिया का कैटायनिक करेक्टर अमोनियम आयन है और एनायनिक करेक्टर एमाइड आयन है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर पोटेशियम एमाइड को अमोनिया में डिसॉल्व किया जाए तो पोटेशियम एमाइड ज़्यादा एमाइड आयन दे करके अमोनिया के एनायनिक करेक्टर को बढ़ा देता है, इसलिए पोटेशियम एमाइड अमोनिया में बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी पोटेशियम एमाइड अमोनिया में बेस है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। अगर अमोनियम क्लोराइड को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाए तो यह भी आयोनाइज होगा अमोनिया में, और अमोनिया में आयोनाइज होकर के ये अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। अब आप देखिए जो अमोनियम आयन है ये अमोनिया का कैटायनिक करेक्टर है, यानी जब अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये अमोनियम क्लोराइड सब्सटेंस अमोनिया के कैटायनिक करेक्टर को बढ़ा देगा। पहले से अमोनिया का कैटायन अमोनियम आयन है और अमोनियम क्लोराइड जब डाला जाएगा तो अमोनियम आयन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड डालने पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा बढ़ने लगेगा। या ये हम कह सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज द कैटायनिक करेक्टर ऑफ अमोनिया, दैट इज अमोनियम आयन ऑफ अमोनिया, सो दिस एक्ट एज एसिड इन अमोनिया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। व्हेन दिस salt is dissolved in N2O4 solvent. इस सॉल्यूट को N2O4 सॉल्वेंट पे जब डिसॉल्व करते हैं तो इस सॉल्यूट का ऑटो आयोनाइजेशन होता है, ये भी आयोनाइज होता है और इसके आयोनाइजेशन से मिलता है NO प्लस प्लस Cl माइनस नाइट्रोसिल आयन और क्लोराइड आयन। अब आप बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस N2O4 सॉल्वेंट में क्या होगा, आपको मैं थोड़ा मौका देता हूं बताएं। NOCl when dissolved in N2O4 it dissociate into NO plus and Cl minus. Since NO plus is the cationic character of N2O4, अभी इससे पहले आपने N2O4 का ऑटो आयनाइजेशन देखा था जिसमें आपने देखा था कि N2O4 डिसोसिएट होता है NO प्लस और NO3 माइनस में। ये N2O4 का आयनाइजेशन है जिसमें NO प्लस इस N2O4 का कैटायनिक करेक्टर है और NO3 माइनस N2O4 का एनायनिक करेक्टर है। तो अब हम इस सब्सटेंस को N2O4 में क्या क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि ये सब्सटेंस N2O4 में कैटायनिक करेक्टर देने वाला है, यानी ये N2O4 के कैटायंस की संख्या को इंक्रीज कर देगा जब इसे N2O4 में घोला जाएगा, तो
इस सब्सटेंस को हम कहेंगे कि ये कैटायनिक करेक्टर बढ़ाने वाला सब्सटेंस है सॉल्वेंट के, इसलिए ये सब्सटेंस इस सॉल्वेंट में एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से अगर हम NaNO3 लें और इसको N2O4 सॉल्वेंट में डिजोल्व करें तो आप देखेंगे कि ये आयोनाइज होकर के सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन में टूट जाता है। तो नाइट्रेट आयन देने वाला सब्सटेंस है सोडियम नाइट्रेट, और नाइट्रेट आयन इज द एनायनिक करेक्टर ऑफ दिस सॉल्वेंट, सो दिस सॉल्यूट वर्क्स एज बेस इन N2O4 सॉल्वेंट। NaNO3 N2O4 में बेस की तरह से एक्ट करेगा। अब देखिए अगर इन दोनों चीजों को एक साथ ले लिया जाए तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं NOCl plus NaNO3 gives out in presence of N2O4 NaCl plus N2O4। ये रिएक्शन एक सामान्य एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, जैसे कि एक्वस मीडियम में HCl और NaOH के बीच होने वाला रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए ये भी रिएक्शन N2O4 सॉल्वेंट में एसिड बेस रिएक्शन की तरह है। कैसे? क्योंकि NOCl N2O4 में एसिड है, NaNO3 N2O4 में बेस है, और इन दोनों के मिलने से ये बन गया साल्ट और ये बन गया आपका सॉल्वेंट। सो दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन इन N2O4 सॉल्वेंट, दैट इज द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो मैं एक बार फिर से आपको कंक्लूड करता हूं। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो सॉल्यूट्स व्हिच इंक्रीज द कैटायनिक करेक्टर ऑफ द सॉल्वेंट इन व्हिच दे डिसॉल्व, एंड बेसिस आर द सॉल्यूट्स व्हिच इंक्रीज द एनायनिक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन व्हिच दे डिसॉल्व। अब आप देखिए जो हमने शुरू में अरिनियस कॉन्सेप्ट हुआ था, वो अरिनियस कॉन्सेप्ट को ये सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट कवर करता है। कैसे कवर करता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि HCl को सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या कहा जाएगा, तो आप देख सकते हैं HCl व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू H+ प्लस Cl- एंड H+ H+ जो कि फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, H+ हमेशा वाटर के साथ कंबाइन होकर के H3O+ के फॉर्म में रहता है। तो हम चाहे H3O+ लिखें या H+ लिखें, एक ही बात होती है। तो HCl H+ देता है, यानी H3O+ देता है, दैट इज द कैटायनिक करेक्टर ऑफ वाटर, सो HCl एक्ट्स एज एसिड इन H2O। इसी तरह से NaOH, अगर NaOH को वाटर में डिजोल्व किया जाए तो ये Na+ प्लस OH- देगा, एंड OH- इज द एनायनिक करेक्टर ऑफ दिस वाटर। वाटर के डिसोसिएशन में आप वाटर के ऑटो आयनाइजेशन में आपने देखा था H3O+ प्लस OH- बनता है, और OH- उसका एनायनिक करेक्टर है। सो NaOH गिव्स द एनायनिक करेक्टर ऑफ वाटर, सो इट एक्ट एज बेस इन वाटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अरिनियस कॉन्सेप्ट है उसे सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर करता है। तो ये था आपका सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दिस कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड बाय लक्स एंड लेटर ऑन एक्सटेंडेड बाय फ्लड। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका स्कोप बहुत ही सीमित है। इस कॉन्सेप्ट में जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको एसिड और बेस के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। जब भी मेटल ऑक्साइड्स मेटलर्जिकल प्रोसेस में हाई टेम्परेचर पर मॉल्टन स्टेज में पाए जाते हैं तो इन ऑक्साइड्स को एसिड या बेस, यानी एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के रूप में क्लासीफाई करने के लिए ये थ्योरी दी गई है। इस थ्योरी के अनुसार ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो ऑक्साइड आयन
डोनर हैं वो बेस होते हैं। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स दैट आर कॉल्ड एसिड्स। सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एंड सिमिलरली बेसेस आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट द ऑक्साइड आयन। यानी बेसिस क्या होंगे, बेसिस होंगे ऑक्साइड आयन, बेसिस ऑक्साइड आयन डोनर। एसिड्स क्या होंगे, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका। कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका के रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्साइड आयन दे रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, अगर इस सब्सटेंस का आयनाइजेशन करके देखा जाए तो ये दो आयनों में टूटता है, कैल्शियम डबल प्लस और SiO3 डबल माइनस। इसका मतलब हम अगर देखें तो इस कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम आयन बन जा रहा है, यानी ये ऑक्साइड आयन निकाल दे रहा है और इस ऑक्साइड आयन को ये SiO2 लेके SiO3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है ऑक्साइड आयन डोनर और ये है ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। तो इस परिभाषा के अनुसार जो ऑक्साइड आयन देने वाला होता है वो होता है बेस और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करने वाला होता है वो होता है एसिड। तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड आयन दे रहा है इसलिए ये हो गया डोनर यानी हो गया बेस, और सिलिका ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है इसलिए ये हो गया एसिड। टेकिंग अनदर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए अगर इन दोनों का रिएक्शन होता है तो इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर भी बहुत आसानी से देख सकते हैं किस सब्सटेंस ने ऑक्साइड आयन दिया है और किस सब्सटेंस ने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया हुआ है, यहाँ से पहचान सकते हैं। अगर इसका आयनाइजेशन किया जाए तो कैल्शियम आयन बनेगा और कार्बोनेट आयन। इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड से एक ऑक्सीजन निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड आयन डोनर है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। तो जो डोनर होता है वो होता है बेस और जो एक्सेप्टर होता है वो होता है एसिड। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये हो गया एसिड और ये डोनेट कर रहा है इसलिए ये हो गया बेस। दिस इज द लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपने में समाहित करता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है उसानोविच कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसानोविच कॉन्सेप्ट। देखिए ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस को डिफाइन करने का। ये कॉन्सेप्ट जिसे हम उसानोविच कॉन्सेप्ट के नाम से या उसानोविच डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस के नाम से जानते हैं, ये अभी तक के पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने में इकट्ठा करता है। यानी जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को अगर इकट्ठा कर दिया जाए उसी को हम उसानोविच कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। अब हम आपको पहले डिफिनेशन बताते हैं उसानोविच कॉन्सेप्ट है क्या और फिर ये समझाएंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू उसानोविच एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच नंबर वन रिएक्ट विद एसिड व्हिच रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट। यानी उसानोविच के अनुसार एसिड वो है जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट देता है या
एसिड विच रिलीजेस केटायन, यानी एसिड वो है जो केटायन को निकालता है, या एसिड वो है जो एक्सेप्ट एनायंस, यानी जो एनायंस को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स, यानी निगेटिव चार्जेस को जो एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चार्जेस को जो निकालता है, रिलीजेस केटायन, और जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है। तो सानोविच के डेफिनेशन में ये तीन चीजें ली गई हैं। अगर कोई सब्सटेंस इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड इज ए सब्सटेंस विच रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट और रिलीजेस केटायन। केटायन का मतलब यहां पर प्रोटॉन से भी समझा जा सकता है, और एक्सेप्ट एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से इसी के जस्ट अपोजिट है बेस की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सानोविच ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट इज रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट। बेस इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट केटायन। और प्रोटॉन और एंड ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स। अब एक ही चीज का हम एग्जाम्पल आपको देते चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर HCl वो एक सब्सटेंस है, और ये अगर हम ये नहीं मानो भी क्या है, एसिड है या बेस, लेकिन हम जानते हैं कि NaOH एक बेस है, और अगर ये NaOH के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाता है प्लस वाटर बनाता है, अगर ये सब्सटेंस किसी बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना रहा है, तो ये उसानोविच कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड होगा। दूसरी चीज, अगर कोई सब्सटेंस केटायन देने वाला हो तो वो भी एसिड होता है। देखिए एग्जांपल के लिए, HCl का रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं, इसे बनता है NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। इस रिएक्शन में HCl H प्लस अमोनिया को दे रहा है, HCl H प्लस अमोनिया को दे रहा है। H प्लस मींस केटायन और प्रोटॉन। तो चूंकि ये प्रोटॉन देने वाला है अमोनिया को, इसलिए ये क्या हो गया, एसिड। अब आप देखिए उसानोविच के हिसाब से भी ये एसिड है, और यही ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में बताया गया था कि सब्सटेंस विच कैन डोनेट द प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन दे रहा है इसलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, और उसानोविच के अनुसार ये केटायन दे रहा है इसलिए भी ये एसिड है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बीच का एग्जांपल देखें, इससे बनता है कैल्शियम सल्फेट। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड आयन को दे रहा है SO3 को, जिससे ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम आयन सल्फेट आयन, यानी यहाँ पर ऑक्साइड आयन SO3 के पास जा रहा है। ये ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये एनायन एक्सेप्ट कर रहा है, और आप देख रहे हैं एक्सेप्ट एनायन एसिड। उसानोविच के अनुसार ऐसे सब्सटेंस जो एनायंस एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, इसलिए ये हो गया एसिड। और यही कॉन्सेप्ट आपने अभी लक्स फ्लड में भी पढ़ा कि जो एसिड्स होते हैं वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होते हैं, और जो बेस होते हैं वो ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं। तो इस तरह से जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है उसे भी उसानोविच कॉन्सेप्ट अपने में संग्रहित करता है। तो अब आप जान सकते हैं SO3 लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड है, उसानोविच कॉन्सेप्ट के अनुसार भी एसिड है, और इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड ये उसानोविच के अनुसार भी बेस है, क्योंकि ये ऑक्साइड आयन दे रहा है डोनेट एनायंस, और ये लक्स फ्लड के अनुसार भी बेस है। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, CuCl
प्लस सी एल टू और इससे बनता है सी यू सी एल टू। यहाँ पर कॉपर जीरो बैलेंसी में और सी एल जीरो, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ सी यू सी एल टू में सी यू पे डबल पॉजिटिव चार्ज और सी एल पे निगेटिव चार्ज है। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स क्लोरीन। तो अब आप यहाँ पर उषानोविच कॉन्सेप्ट के अनुसार बता सकते हैं कि सी यू विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एक्ट एज बेस, वाइल सी एल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज एसेट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के रूप में डिफाइन करने के लिए दिए गए हैं, इनमें हम किसी भी कॉन्सेप्ट को सब्सटेंस को एसिड या बेस डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि एक ही कॉन्सेप्ट सभी सब्सटेंस को एसिड या बेस के रूप में डिफाइन नहीं कर सकता है, अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग कंडीशन में एसिड या बेस के रूप में डिफाइन करने के लिए हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके द्वारा हम किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके द्वारा हम किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस नहीं डिफाइन कर सकते, इसके लिए हमें अदर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने अभी अरिनियस कॉन्सेप्ट की कमियों के बारे में पढ़ा था। तो आपके लिए ये थे एसिड और बेस के सारे कॉन्सेप्ट। अब हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के बारे में बताएंगे। अभी तक तो जितने भी सब्सटेंसेस को हमने एसिड और बेस के रूप में क्लासीफाई किया है, इनकी एसिडिटी या बेसिसिटी का सीक्वेंस क्या है, इन बातों को अब हम आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।